दो टोलियों के अपराधी एक दूसरे को फोन पर अपहरण कर हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले की दो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। इस मामले से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आमच्याकडे ती माहिती आली होती आणि त्या माहिती अनुषंगाने क्राईम ब्रांचकडून चौकशी सुरू होती। यामध्ये दोन वेगवेगळे गोष्ट निष्पन्न झालेली आहे। एका आरोपी काही त्यांचे साथीदार सोबत संबलपूर ओरिसा या इथून गांजा चे तस्करी करण्यामध्ये सामील होता, अशा एक NDPS चे गुन्हा आज सकाळी दाखल करण्यात आलेली आहे आणि दोन आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे। त्यामध्ये काही महिलांना त्यांना केटरिंगचे व्यवसायाचे नावाखाली त्या भागात घेऊन जायचे आणि तिथून त्यांना माहिती नसताना त्यांचे लगेजमध्ये गांजा टाकून अशा प्रकारचे कॅरियरसारखे वापर करायचे, अशा तपासात निष्पन्न झालेली आहे। पुढील तपास यामध्ये सुरू आहे। दुसरी गोष्ट पुढे तपासामध्ये अशा निष्पन्न झाला की काही आरोपी आहे जे मुलींचे ट्रॅफिकिंग करत होते आणि अवैध कृत्य करत होते, त्या अनुषंगाने चार आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे आणि अटक करण्याची कारवाई सुरू आहे। एका गुन्हा पीटा ॲक्ट, मॉलेस्टेशन, पॉक्सो ॲक्ट आणि ट्रॅफिकिंग ऑफ विमेन अँड चिल्ड्रेन या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे। यामध्ये चार आरोपी अटक आहे, अटकची कारवाई सुरू आहे आणि एक दोन आणखी आरोपी त्यामध्ये पुढच्या काळात निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे। लॉज नव्हता त्यामध्ये, एका हॉटेल लक्ष्मी हॉटेल म्हणून होता, त्याचे मालिक कम मॅनेजर म्हणून एका आरोपी आहे, त्यांना पण या गुन्ह्यामध्ये ते आरोपी निष्पन्न झालेली आणि त्यांना पण अटक करण्यात येत आहे। हे दत्ता खाटिक म्हणून एका आरोपी जे मुलींचे ट्रॅफिकिंग करत असल्याचे निर्देश निष्पन्न झालेली आहे आणि त्यांनी काही इतर आरोपीसोबत या इमॉरल ट्रॅफिकिंग ऑफ विमेन यामध्ये सामील होता आणि या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे आणि पुढील तपासाचे नंतर ते पुढील गोष्टी समोर येईल। पांडे ते आहे ज्यांच्या विरुद्ध हे NDPS चे गुन्हा आज सकाळी दाखल करण्यात आलेले आहे। जे संबलपूरचे तस्करी विषयी मी सांगितले होते ते त्यामध्ये पांडे हे मुख्य आरोपी आहे। हे इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम करतात आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि केटरिंगचे व्यवसायाकरिता मुलींना संबलपूरला घेऊन जायचे आणि तिथून त्यांचे वापर करून हे तस्करी गांजाचे करायचे, अशा बाबी समोर आलेली आहे। आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि केटरिंगचे व्यवसायाकरिता मुलींना संबलपूरला घेऊन जायचे आणि तिथून त्यांचे वापर करून हे तस्करी गांजाचे करायचे, अशा बाबी समोर आलेली आहे। आता ही दोन्ही प्रकरणांमध्ये सध्या आमच्याकडे सहा आरोपी ताब्यात आहे। काही आणखी लोकांना अटक करायची आहे याच प्रकरणांमध्ये। आत्ता याचे व्यतिरिक्त सध्या स्थितीत काही सांगता येणार नाही। आणखी आरोपी नक्कीच यामध्ये आहे जे तपासात निष्पन्न होईल आणि त्यांना अटक करण्यात येईल। हॅलो हॅलो, हा बोल, काय बोलणार आहे तेरावला? हा काय बोलणार आहे तेरावला? कोण नेपाली को बिझनेस उसको नाक फोडा। कोण नेपाली? तेरा क्या बोलना है ये बता तेरे को। मेरी गर्लफ्रेंड का नाक किसने फोड़ा? तू कहा मिलता है इतना बड़ा, बता मेरे को कहा मिलता है? तुमको तू बता कहा मिलना है। तू जहाँ बोलेगा वहाँ मिलता ना, ठीक है ना? हाँ मैं आता। तो कहाँ आता एरिया बता? तुम्हारे एरिया में तो बता, तुम जब बोलो तब। अभी अभी नहीं आ सकता ना भाई। क्यों? अभी मैं कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ। संबलपुर, संबलपुर आ जा, उड़ीसा। साले क्या साले फोन पे उसकी तेरी वाली साले एड्रेस बता था तेरा वाला, तेरे को नहीं वहां से लेके गया तो मेरा नाम दत्ते नहीं, समझे क्या? मालूम को सर झाड़ी हो रहा तेरे बारे में सब नहीं साले, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा सामने बिता साले, फोन पे क्या बात कर रहा? अबे तू फोन पे फिर किया इतनी बड़ी बातें? हम फोन पे बातें नहीं करते। चिंता में समझा क्या साले? गांजे बेच। अबे तू फिर तो सही मिल तो सही तू किसका नाम गिना रहता रे? किसका नाम गिना रहता रे तू? हाँ किसका नाम गिना रहता? अबे मैं क्या बोला मालूम है भाई? हम नाम भी नहीं गिनाते, हम लोग किंगे तैर के जिज्जो गांजा बेच रहे, हमारा सब माल जाता पूरे शहर में, समझा? गंडिया तू जब ये धंधे में नहीं उतरा ना
तब से मैं लोगों को पहचानता कौन धंधे करते हैं जो मेरा बड़ा भाई है ना, ये बात सुन रहे सालो, जो मेरा बड़ा भाई है बात सुन, उसका धंधा है समझा क्या, एड़े मेरा भाई नागपुर से आके इधर उड़ीसा चलाता समझा क्या, समझ रहा क्या, आज उड़ीसा में लोकेशन भेजूंगा तेरे को, एड़ा उड़ा समझ रहा क्या, नागपुर में आने के बाद में मेरे को मिलना, अभी नागपुर में क्या रखा है तेरे, नागपुर में क्या तेरे घर में आऊंगा तेरी वाली, तू तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा मिलता कहा नहीं, लगता वाओ तू भाई जैसे लगता वाओ को, मेरी गर्लफ्रेंड को गिनने जिनने भी नाक खोलाऊंगा, घर में बंदूक मारूंगा, सारा बोल रहा बंदूक देखा क्या तूने, बंदूक अबे तुझको बताता मैं बंदूक नहीं क्या आंधे, मेरे को नागपुर 20 रुपए साले फोन क्या काटनी, फोन पे भग रहा क्या, नहीं फोन पे नहीं, मैं तो तेरे सामने सामने मिलूंगा रे बादशाह समझा क्या, तो कब मिलता है, कब मिलता है, कब मिलता है ये तो बता, हां कब मिलता है तू बोल, कब मिलना है मेरे को, तो अब भी मिलना है, तू बोल रहा ना बहुत पहले से करता धंधा, तू मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, बात सुन ओए ओए, तेरे को ऐसा फिट कराऊंगा, रुक राजमानी साहब को बताता नहीं क्या तेरे बारे में, तू धंधा कर कर अपने चालू, तू किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है बे, कर 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 कर, राजमानी साहब को भी बताता नहीं क्या मितेश कुमार को तेरी, अबे तू हट गया है क्या, है नहीं तू इतनी बड़ी बात नहीं करती क्या, नहीं जिनने भी मेरी गर्लफ्रेंड का बहन को भी बैठाल देना पे धंधे पे, और माँ को भी बैठाल देते, वो समय में बताऊंगा नहीं क्या, मैं गोली मारूंगा तब तक समझ में आएगा, लिया नहीं क्या, अभी माउजर देखा क्या तूने, अबे कितने माउजर ना वीडियो कॉल कर दिखाता माउजर, क्या रे माउजर की बातें कर रहा है, हाँ एड़ा वीडा समझ रहेगा माउजर, तेरे घर में झोपड़े में रहता ना, झोपड़े में नहीं क्या तेरे बारे में सब जानकारी निकाल लिया समझा क्या, तो तू मिलना तो मेरे को जानकारी निकला, तो तेरी तेरे को ऐसा नहीं मिलूंगा रे भाई, तेरे को जब बड़े प्यार से मिलूंगा, तू पहचान भी पाएंगा किसके साथ बैठा, कौन सा बाप है ये, सामने तेरे बैठा रहूंगा, और तू पाँव में नहीं गिरा रात जारी बोला क्या बोल रहा, फोन में तू बोल रहा ना रिकॉर्डिंग करके रख, देखेंगे तेरे शरीर के, मैंने आज तक के 25 साल के बुराई में कितने छोड़ दिया मैंने उसको, तेरे जो मैं क्या बोला अभी वो चमचागिरी करेंगे, इसलिए तेरे नंबर गाड़ी को मैंने बोला इसी बातें, और मेरे को मालूम है ये सब बातें ऐसे लोग ही करते हैं नहीं क्या, मैं क्या बोला तेरे लड़के, मैंने 25 साल की बुराई हो रही मेरी वाली समझे क्या, बस हो गया 25 साल, और अच्छे अच्छे को मैंने किनारे से लगवा दिया समझा, किसको किसको लगाए, मेरे को भी लगा, उम्र भी नहीं लगी, मेरे को भी लगा, जितनी मेरी बुराई, मैं क्या बोला मेरे को भी लगा दिया, नहीं तो तू शहर में कोई भी कोंटे में मिल मेरे को, कौन से कोंटे मिलना है, तू शहर का बाप है क्या, तेरी इज्जत होती कि मेरी इज्जत होती तू देख लेना वहाँ पे, अबे मैं क्या बोला राजू भद्री जैसे, संतोष अम्बेकर जैसे, रंजीत भाऊ जैसे नहीं चले, तू चलेगा, हो तो तू आना, तो मेरे भाऊ लोग नहीं चले, तू चलेगा, हो तो तू आ तो सही, तेरे भाऊ लोगों को पूछना मैं कौन हूँ करके, हाँ मालूम है तू कौन है, इसलिए तो मैं तेरे से बात कर रहा, इतनी कोई बिना पॉइंट के तेरे बारे में पूछा ना मैंने लोगों को, तब बता रहा ना मैं, तू आके बोलना, तू आके बोलना, मुझसे बोलना, सामने आना, सामने आना, लोग फोन पे मालूम है क्या, ये गालिया गुप्ता रही सामने सामने का, ठीक है लगता भाव तुम्हारी मैं आके नहीं क्या, हो तो मैं क्या बोला आमने सामने आना, अरे लगता भाव हो तो आमने सामने आना, किस दिखाता तेरे को, जिनने भी ना आओ तो तू जिनने जिनने छेड़ा ना उसको, उसमें तेरा भी नाम लिखाऊंगा नहीं क्या, जिनने जिनने लड़की को अपने की इच्छा काले क्या, सब नाबालिग है अपनी लड़की नहीं चाहिए, उनसे तू धंधा ही करता, तू दल्ला ही नहीं, कोई अंधे धंधे नहीं, तूने जबरदस्ती लेके गया लड़की है मेरे साथ, सब वो तो तू है ना, समझ रहा क्या, 19 साल का हूँ तेरे से ऐसी बात कर रहा, समझ रहा क्या, हो तो फोन पे कर रहा ना आमने सामने, फोन में नहीं सामने, फोन पे बच्चे भी करता है, देखेंगे 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 करता, मैं आ रहा तेरे से मिलता ना, बच्चा भी करता है, आ रहा मिल रहा हूँ, कब ले आना तेरे, अगर ऐसी तू बता दो सही, मैं क्या बोल रहा है, अकेले से आना 10 मिनट को लेके मत आना साथ में, माँ का दूध पियूंगा ऐसे उठवा लू, तू जा बोलेगा खाएंगा तू मेरे को
उठा जगह से हिलने की भी गरज नहीं मेरे को। उठा मैं अपने बात कर रहा हूँ क्या मामा से अभी तेरे को? कौन से मामा से? हाँ कौन से मामा से बात करा रहा मेरी? हाँ कौन से मामा से बात करा रहा? कौन से मामा से तेरे को गरज है बात कराने की? तेरी ये भाऊ और वो भाऊ से लिए खिला भारी हूँ, समझा क्या? फोन पे मत, फोन पे मत। मैं क्या बोला सुनना, अगर तू सही में एक, मैं क्या बोला तुझे अगर एक लड़का होगा ना, तेरे बाप की 10 बार पैदा हुआ होगा। मैं क्या बोला तू फोन पे जो बात कर रहा ना, तो रिकॉर्डिंग कर, बोला रिकॉर्डिंग कर, नहीं है हमारी रिकॉर्डिंग करने की आदत। मैं क्या बोला तूने बहुत बड़े इंसान के साथ वो किया नहीं क्या? तूने जो कितना बड़ा है, तो आके दिखा ना, तू आके दिखा ना फोन पे। तुमने नाक खोला ना, मैं क्या बोला तुमने नाक खोला ना, मारूंगा उसको, तेरे को बता रहा तेरा फोन लॉज वाला है। समझा क्या? क्यों उसने लड़की को नाक में मारा? क्यों मारा? अगर तू भी उस जगह में रहता, तेरी गर्लफ्रेंड रहती तो क्या बोला? क्या बोला? तेरा नाम क्या है रे बेटा? हाँ भैया तेरा नाम क्या है? बोला पांडे, बोलते मेरे को पांडे। पांडे पांडे ने कहा का? कमाल चौक। कमाल चौक में कहा पे? कमल चौक में क्या पे? बोला पांडे तेरा तेरा सर, तेरा सर नेम होंगे भाई। नाम बोला, नाम बोला तेरा नाम, वही नाम से जानते। आप कौन बोल रहे भाई? देख भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दत्तू बकर बोल रहा हूँ, खास फ्रेंड बोल रहा हूँ, फ्रेंड बोल रहा हूँ उनका। मैं क्या भाई, मैं एक बात बोलूंगा तुमको। हाँ बोलना भाई। कोई लड़की को जबरदस्ती करना पड़ता है उनके अंदर? नहीं करना पड़ता। हाँ तो बस मेरी गर्लफ्रेंड है, उस मुझसे शादी कर रहा, कल तेरे को फोटो भेजूंगा वो लड़की मेरे साथ शादी। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं क्या बोला मेरी गर्लफ्रेंड का, जिन्हें जिन्हें मेरी गर्लफ्रेंड का नाक खोलाऊंगा। ये ले मेरे मेरे बॉस से बात करा, देने दे। हेलो बोलना। हाँ बोलना गुलाब। हेलो बात कर उससे। हाँ बोलना। हेलो 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 गुलाब भाई। हेलो 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 गुलाब भाई। हेलो हेलो। हाँ भाई कौन बात कर रहे? हाँ जो मेरा भाई है गुलाब यादव दगली चाल। दोना दोना फोन दोना और कुछ स्पीकर में। हेलो हेलो गुलाब भाई, दो मिनट रुको। हेलो कौन गुलाब भाई है? भाई बात करो इससे, इसको समझाओ क्या है नहीं क्या। मैं क्या बोल रहा, वो लड़की आई थी नहीं क्या, 10,000 चाहिए, 6,000 चाहिए। हेलो हाँ हेलो। मैं क्या बोला भाई, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मैं तुमको। नहीं थोड़ी देर कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहा। हेलो पहले दत्तू मामा का नंबर ले, कॉल कर ले। किसका? उसके पास है, अस्मिता के पास, कॉल कर ले। किसका? ये दत्तू मामा का। दत्तू मामा ठीक है, तुमने बात किया ना अभी दत्तू मामा से? बोलते दत्तू भाई से बात कर रहे हैं ना। पे लिया था आपको, और मेरा नाम बीच में मत ला, समझे? जिसको बता दे मैंने बच्चा नागपुर मेरे को तो पता चलेगा। सामने सामने मिल रहा भाई। ठीक है रख रख, देखते टाइम पे पता है, पता चल जाएगा तेरे को। क्या पता? गोल्डी मेरा भाई है बड़ा। क्या बोले? मैं क्या बोला, गोल्डी मेरा बड़ा भाई है। गोल्डी? हाँ कौन गोल्डी? हेलो हेलो। मैं क्या बोला, मोहिमपुरा में रहता। मोहिमपुरा? हाँ हाँ। अभी तो बोले भीमनगर में रहता। मैं रहता भीमनगर में। पांडे नाम है मेरा, बुलेट से घूमता हूँ, 8463 गाड़ी नंबर। तो मेरे को क्यों बता रहे बहू? बता नहीं रहा तेरा, तू तेरे को खबर दूंगा, तू अपने भाव को देंगे ना। तुम मेरे को दल्ला समझ ले, क्लियर क्लियर बोलो ना। हेलो अपने तो अपन ने किसी मदद की हो लड़की की? मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं क्या बोला इस पास से कॉल नहीं करना ना। हाँ इससे कॉल नहीं करना, इस अंदर से इसको बताया, उसके लिए थैंक यू। मैं आके तुमको मिलता हूँ, तुमको उसके बाद में करता भाई नहीं क्या। नहीं तुम्हारा वही ना सही है, वो तुमने मेरे को दल्ला क्यों समझे? तुमको नहीं समझा भाई, मैं क्या बोला, मैं तुमको वो नहीं बोल रहा हूँ, वो लड़की वो मैंने उसको बचाया हूँ। और आ, भाई मैं तुमको शुक्रिया बोलता भाई, थैंक यू बोलता भाई। वो कैदी लोग थे बोला, क्या बोला भाई बात सुन, ओए हम स्मगलर है बोला नहीं क्या, उड़ीसा में हूँ मैं, है ना। हाँ वो बड़े लेवल में काम करता नहीं क्या, बस आवाज सुधी मेरा मालक है।
कौन सा? शेकू का, शेकू का बॉस, शेकू का, शेकू खान का, हाँ हाँ उसका बॉस शहबाज सिद्दीकी, पूछ लेना किसको भी मानकापुर। अरे मानकापुर छोड़ो भाऊ, मैं क्या बोल रहा, पर मेरे हाँ। मेरे तरफ उंगली मत, नहीं गया समझ जाओ। मैं वाशरामे का बोला, तुम कोई बोल दो, मजाक नहीं कर रहा, मैंने अब से बचाया नहीं गया, मेरे पर उंगली नहीं बोलना। नहीं देखो थैंक यू बोल रहा भाई, मेरे थैंक यू बोल रहा। नहीं तुमने जो बात की ना, जो उसने किया ना, मैं क्या बोलूं नहीं क्या, मैं उसको घर से नहीं क्या नंगा उठवाऊंगा नहीं क्या, राजमानी साहब से नहीं क्या, अभी फोन करता मैं साहब से नहीं क्या, जितने भी ये नंबर है ना तुमने जबरदस्ती किया ना लड़के से, जो भी जितने लोग सबके नाम डलाऊंगा नहीं क्या, बस वो बता देना, वो नहीं क्या तुम्हारे भाव को नहीं क्या, उसको लड़के को पूछो मैंने कितने भयानक से उसको बचाया, सुबह 4 बजे फोन जाता था। थैंक यू बोलते नहीं क्या भाई, मैं तो बहुत शुक्रिया करता हूं। तुम ही सोचो सुबह 4 बजे फोन जाता। हाँ भाई थैंक यू भाई, मैं तेरे को बहुत तेरे को इज्जत दूंगा नहीं क्या, और तू देखेगा भाई नहीं क्या, जो तू जिसको जो लोग आके एरिया के भाव मानते जब उसको जब उसके भाव गिरेंगे ना उसको समझ में आएंगे, अच्छे अच्छे भाव को देखा हो भाई। क्या नाम बोले तुम्हारा? पांडे नाम है बोला भाई। पूरा नाम बता ना यार। हाँ पूरा नाम कोई मेरा नहीं जानता, पांडे जानता। भीमनगर? हाँ भीमनगर, हाँ कमाल चौक, कमाल चौक। गोल्डी जो गोल्डी था जिसकी डेट हुई, हाँ अपना भाई था छोटा, ऐसा है ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करना भाई, नहीं जैसे पहले भाई भाई ब्लेम नहीं हो भाई, मेरे को उसने बताया इनने मेरी हेल्प किया इसलिए मैंने तुमको फोन किया, वो तुमको सुबह 4 बजे मैं क्या बोला भाई, मैं क्या बोला बात तो सुनो भाई मेरा, मैं उसको नंबर देता नहीं क्या, वो भाव से आके मैं सबसे पहले मिलने आ रहा हूँ नहीं, भाव आप मिल लेना ना, और वो लॉज वाला कौन है जिनने नाक, हाँ नहीं क्या अच्छे से रिमक कौन सा थोड़ा चौक में उसका ना भाई, भाई क्या बोल रहा, हाँ भाव बोलो ना, इतनी बातें तो कर रहे हो भाई, भाई मजाक नहीं कर रहा वो, मेरे को गलत लगा, आपने मेरे को गलत समझा, ओ भाई ओ भाई वीडियो कॉल करो तुमको समझ जाऊंगी हम लोग क्या है। नहीं नहीं भाऊ मैं क्या बोल रहा, मेरे को किसी की गलत नहीं है, वो कि मेरे को उसको पूछो क्या बोला, मेरे को किसी आओ की गलत नहीं है। देख भाई बात तो सुन, फोन में मैं कुछ नहीं बोलता, बाहर मजा आएगा। नहीं ना बाबू, आमने सामने भी मजा आएगा बोला, आमने सामने भी मजा आएगा। भाई तुम्हारा नाम? मेरा नाम निखिल वांगड़े बोलना, सूरज बिहारी का नंबर करी हूँ मैं। सूरज बिहारी का नंबर है ना? हाँ मेरे ये सब नहीं का सूरज चौधरी इधरी, हाँ सब मेरे भाई लोग है नहीं भाई, हाँ जो अमित यादव इधर जो सभी अपने पहचानते नहीं क्या? नहीं भाऊ तुम्हारा सही है, तुम अपने हिसाब से सही हो, पर कैसा है मैं आमने सामने बात करूंगा, आपने गलत किया जो मेरे को दल्ला बोले ना, बोला नहीं किया समझ जाओ। नहीं नहीं वो लड़की को मैंने आज तक परेशान नहीं किया, उसको पूछ लो मुँह पे, तुम्हें तेरे को दल्ला इल्ला नहीं बोल रहा जिसने किया उसको, समझ गया तुम्हारा जो है आओ भाव को मैं दल्ला हूँ क्या? हाँ नहीं तो भाई यार मेरे को लगा तू पहचानेगा तो तू बताएंगा ही ना। अरे वो मैं क्या बोला, वो लड़की को पूछो, मैं उसको मेरे भाव लोग होंगे वो कोई, मैं क्या बोला भाऊ, मैं हाँ। क्या बोला अभी तुमको भरोसा होगा नहीं, जब तक ये काम नहीं होगा जब तक उसको देंगे नहीं हम तब तक काम होगा नहीं, जब होगा काम तब तुम आओगे तुम समझोगे हमको तब तुम भी ढूंढने का कोशिश करोगे नहीं क्या? बराबर है भाऊ, कैसे भाई किसी को नहीं क्या गलत नहीं बोलना, राजा भाई की हंडी में था बोला मैं, राजा भाई की हंडी में थे, हाँ राजा घोष जो अभी पप्पू पप्पू भाई पप्पू घोष, हाँ हो गया उनके छोटे भाई, हाँ हो गया, हाँ भाई सभी अपने को जानते नहीं क्या भाई, अपन इसलिए ठंडे, वो ऐसे इंसान का नाक फोड़ा जो लड़की को मैं प्यार करता नहीं क्या, हाँ चीनी हाँ मेरी गर्लफ्रेंड उसका उसने नाक फोड़ा जो लॉज वाला है, मारेंगे नहीं क्या बादशाह, अपना अपना है नहीं जो है क्या बोला, बात तो सुनो इतने पुराने रहने के बाद हमको आज बताएंगे, ये क्या बोलते विजय मोड़ वीड सभी अपने को नहीं क्या, सब जानते नहीं क्या भाई, जो उनके छात्र जो अभी मर्डर में छूट रहे सब अपने अपने साथ हंडी में थे नहीं क्या, वैसे अपने ऐसे इतने आटू जाटू नहीं, पर मैं गुस्से गस्से में बोलाऊंगा तेरे को, पर मैंने ऐसा बोला भाऊ को बताना तभी वो भाऊ पीछे लगेंगे, वो भाऊ मेरे को ढूंढेंगे, देखो वो तुम्हारा क्या लोच है उनके साथ, बात सही बोला ना, मैंने मेरा सक्षम काम किया मैंने उसको बचाया और बराबर से, नहीं भाई शुक्रिया भाई मैं तेरे को आके मिलता, अपन बढ़िया पार्टी की दोस्ती करेंगे, अपन उसका पूछो, मैं इतना आदर्श तो बोला मेरे को किसी गरज नहीं है, सच में बता रहा मेरे पास इतना पैसा है उसको पूछ, कौन भाव क्या भाई, हाँ तू चला तो फोन करना भाई, आओ पर ऐसा नहीं क्या ब्लेम नहीं करना भाई, नहीं 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 तू टेंशन मत ले, देखो ब्लेम नहीं करता पर बाकी ठीक है भाई, बाकी तुम समझ लो ना किसको समझना है तो तुम समझ लूंगा, ठीक है भाई, हाँ ठीक है।